हेलो दोस्तों, आज मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी झबला बनाना सिखाऊंगी। ये मैं 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ, जिसके लिए हमने मेजरमेंट लिया है। चेस्ट 19, वेस्ट 19, शोल्डर 8, वेस्ट लेंथ 8, और जो फुल लेंथ रखेंगे हम झबले की वो होगी 40। चेस्ट का हम फोर्थ भाग लेंगे, वेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे, और नेक के लिए चेस्ट का 12वां भाग लेंगे। तो आइए पहले इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ये हमने अपनी ड्राफ्टिंग कर ली है, निशान लगा लिए हैं ड्राफ्टिंग पर। यहां से हमने शोल्डर का हाफ लिया है और लेंथ हमने पूरी 14 ली है। आर्म होल के लिए हमने शोल्डर का हाफ प्लस 1/2 इंच लिया है, और यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ भाग, और यहाँ 8 इंच पर वेस्ट का फोर्थ भाग। नेक के लिए हमने चेस्ट का 12वां भाग लिया है, यानी कि 1.5 इंच, और लेंथ हम जो फ्रंट की रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। ये हम वी शेप में रखेंगे, तो इसको हम यहाँ से हमने 3 इंच लिया है और यहाँ से 1.5 इंच लिया है, और जो बैक का नेक रखेंगे वो हम 1 इंच रखेंगे। यहाँ से हम 1 इंच में निशान लगा लेंगे और इसको गोल कर देंगे। तो ये हमारा बैक का नेक है और ये हमारा फ्रंट का नेक है। पहले हम बैक का नेक कट करेंगे, क्योंकि हम पहले अपना बैक पीस निकाल लेंगे, उसके बाद ये नेक कट करके यहाँ पर 1/2 इंच की शेप। ये हमने अपनी ड्राफ्टिंग की कटिंग कर ली है, अब हम इसको फैब्रिक पे सेट करेंगे। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये केवल हमारा 1/2 मीटर में बन जाएगा। 1/2 मीटर हमने ये लिया है अपना प्रिंटेड फैब्रिक, और 1/2 मीटर मैंने ये फ्रिल कट की है प्लेन फैब्रिक लेके, क्योंकि इसमें हम आर्म होल में और नीचे फ्रिल लगाएंगे और पाइपिंग लगाएंगे चौड़ी। तो पाइपिंग के लिए मैंने रेब वाली पट्टी कट कर ली है, 22 ग्रेन वाले। ये मेरी नेक पे और फ्रंट में लगाने के लिए है। तो आइए अब हम कट कर लेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। ये हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और अपना अपनी ड्राफ्टिंग इस पे सेट कर ली है। हम पहले बैक पीस निकालेंगे। बैक पीस में हम पीछे से बंद रखेंगे, तो ये मैंने बंद की साइड नेक रखा है, इसकी आउटलाइन कर लेंगे। और साइड से 1/1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। नीचे से हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि हम इसमें नीचे फ्रिल लगाएंगे, तो जो सिलाई वगैरह में आएगा हमारा फ्रिल लग के एकदम ओके बनेगा। ये हमारा बैक पीस हुआ, अब हम फ्रंट निकाल लेंगे। आइए अब हम फ्रंट पीस कट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 इंच की एक लाइन बना लेंगे। और यहाँ से अपना ये नेक वाली साइड इधर रखेंगे, जहां पर हमने निशान लगाया है, उसको सेट करेंगे और इसकी आउटलाइन करेंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा रखा है वहां पर हम कट लगा देंगे। और ये नेक हम यहीं तक कट करेंगे, यहाँ नीचे तक हमने इसकी शेप की है, यहाँ तक कट कर लेंगे। ये हमारा इस तरह आएगा। जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसमें हम यहाँ पर इस अंदर इस तरह फोल्ड कर देंगे पट्टी को,
और यहाँ पे हमारे बटन या टिच बटन जो भी आप लगाए, इस तरह हमारी ये कटिंग हो चुकी है। और मैंने ये रेड कलर प्लेन लिया है नीचे फ्रिल बनाने के लिए और आर्म होल के लिए। मैंने ये 2-2 इंच की फ्रिल कट की है, तो इन फ्रिल को हम ज्वाइंट कर लेंगे और नीचे से फोल्ड कर देंगे। और जो हमने पाइपिंग के लिए ली है उनको भी हम ज्वाइंट करके नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो आइए अब हम इसकी सिलाई कर लें। आइए सबसे पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। और अब आप हमने जो आगे से एक्स्ट्रा रखा था वो पीस फोल्ड कर देंगे। जहाँ पर हम आई बनाएंगे वहाँ पर तो हम पूरा फोल्ड करेंगे 2 इंच, और जहाँ पर हम बटन लगाएंगे वहाँ पर हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच बाहर रखेंगे यानी कि बढ़ा के। इस साइड तो हम पूरा 2 इंच फोल्ड कर देंगे सीधे हाथ की साइड, और उल्टे हाथ की साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और दूसरी साइड हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। ये हमने फ्रंट से दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है, ये हमारा इस तरह आएगा। अब हम इसमें जो आर्म होल है यहाँ पर हम फ्रिल सेट करेंगे पहले, तब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। इस तरह लेंगे और यहाँ से हम अपनी फ्रिल लगानी शुरू करेंगे कोने से। और हम इसमें इस तरह फ्रिल को सीधा करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी आर्म होल पर फ्रिल लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइड फ्रिल लगा ली है, अब हम इसमें साइड सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो 1 इंच पर हम सिलाई लगा देंगे। हमने इसमें साइड की सिलाई लगा दी है, अब हम इसमें नीचे फ्रिल लगा लेंगे। ये हमने ऊपर से सिलाई लगा के अपनी फ्रिल सेट कर ली है, अब हम अपनी पाइपिंग लेंगे और उसको लगाएंगे। ये मैंने अपनी पाइपिंग तैयार कर ली है, एक साइड से फोल्ड कर किया है इसको मैंने। इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और जहाँ से हमारी ये फ्रिल है यहाँ से हम पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे।
पाइप ही ना नॉर्मली लगाएंगे, इसको खींचेंगे नहीं। ये पाइपिंग हमने सेट कर ली है, अब हम इसको थोड़ा चौड़ाई में इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से नीचे से हम इस तरह लेंगे और इसको यहाँ इस तरह जो हमारी ये सिलाई है इसके ऊपर यहाँ रख के सिलाई लगा देंगे। और इस तरह मेरी ये पाइपिंग पूरी हो गई है। ये मैंने थोड़ी बाहर की साइड निकाल के पाइपिंग लगाई है इसमें, और इस तरह ये मेरा झबला तैयार हो गया है। यहाँ पर हम बटन या टिच बटन भी लगा सकते हैं। टिच बटन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि छोटा ये छोटे बेबी का है, तो आप टिच बटन एक जल्दी से खोल सकते हैं और जल्दी से बंद कर सकते हैं। टिच बटन मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में सिखाया है लगाना, और बटन भी। तो हम 1-1 इंच की दूरी पे या 1.5-1.5 इंच की दूरी पे ये बटन या टिच बटन लगा लेंगे। यहाँ से लेंगे हम, इस तरह नीचे वाले पे हम बटन लगाएंगे और ऊपर वाले पे आई बनाएंगे। इसी तरह हम टिच बटन भी लगाएंगे। और ये बनने के बाद बहुत ही प्रीटी लग रहा है, ये देखिए आप इसका लुक कितना प्यारा है। इस तरह के छोटे झबले बनाकर आप भी अपने बेबी को पहनाएं। अगर आप बॉय के लिए बनाएंगे तो आप ये फ्रिल ना लगा के इस तरह की पाइपिंग लगाएं नीचे भी और आर्म होल पर भी। अगर गर्ल के लिए बना रहे हो तो ये पाइपिंग लगा सकते हैं आप, इस तरह बना सकते हैं। आप सब भी इसको बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको और भी बहुत कुछ सिखाऊंगी। थैंक यू।